ने एक्सपर्ट मुखर्जी साहब कैसे पढ़ा आपने निर्मला सीतारमन जी के बयानों को और ट्रंप साहब के बयानों को, और मार्केट देखिए ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है, आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए मेरा व्यू जो भी है, मार्केट ने तो अपना बयान दे दिया। आप लोग जिनको मिनी बजट कह रहे हैं उनके बाद अगर 40 पॉइंट निफ्टी का रैली होता है, 50 पॉइंट निफ्टी का रैली होता है, तो अभी इसको क्या माने हम? कि मार्केट ने साफ बता दिया कि इससे इकोनॉमी में सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए जो निर्मला जी ने फ्राइडे को अनाउंस किया वो सारे अच्छे मेजर्स हैं और सारे ज़रूरी मेजर्स हैं, लेकिन क्या उससे इकोनॉमी को और अर्निंग्स को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से तो ये आंसर ना है, और उसी के कारण एक ट्रेडिंग रैली के बाद मार्केट फिसल रहा है। इसमें आप थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि निर्मला जी ने ऑलरेडी कह चुका है कि ये पहला एक ट्रांच है, इसके बाद और अनाउंसमेंट आएंगे। तो जो ट्रेडर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं पिछले वीक का रैली के बाद, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमी और अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा, फंडामेंटली स्टॉक प्राइसेस में कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंट में होगा, और आगे चलते हुए जो अनाउंसमेंट आएगा उसमें और भी हो सकता है। तो कोई एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन लेने का सोच रहा है तो मैं कहूँगा दोबारा सोच ले, क्योंकि फिर रियल एस्टेट पे कुछ आ जाएगा, मार्केट फिर से 100 पॉइंट ऊपर आ जाएगा और आपका शॉर्ट पोजीशन कट करना पड़ेगा। तो ये वॉलेटाइल फेज हो सकता है मार्केट के लिए। नीचे के स्तर पर 10,800 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, ऊपर की तरफ 11,200 के ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस है। इसके बीच में 300-400 पॉइंट दायरे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और विपलैश हो सकता है, और इसका ध्यान ट्रेडर्स को बिल्कुल रखना चाहिए। ये एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस लेने का समय मेरे बुक में तो नहीं है, लेकिन स्टिमुलस पैकेज से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। उदयन, लेकिन अगर आप देखें तो इस साल अब तक डाउ करीबन 10% ऊपर है और हम करीब वहीं आ गए हैं जहां हम साल के शुरुआत में थे 2019 के, और अगर आप दूसरे मार्केट के साथ कंपेयर करें, जैसे कि अगर आप MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखें तो वो करीब 3.5% ऊपर है और हम करीब 3% डाउन है, यानी 6-6.5% का गैप वहां पे हो चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गैप भरेगा? ऐसे मेरे ख्याल से मार्केट्स मूव नहीं करते प्रदीप, कि निफ्टी सारा समय देखता रहता है कि वो दूसरे को इंडेक्स के बराबर में कितना ऊपर गया है, नीचे गया है। थोड़ा बहुत कैचअप हो सकता है, इंडिया रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये जो 10-15% का गैप आप मान रहे हो, परफॉर्मेंस गैप बोल रहे हो, ये पूरा भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे हो सकता है कि अगर ग्लोबल टर्मोइल चलता रहा तो हैंगसिंग जैसे इंडेक्स और ज़्यादा गिरेगा इंडिया से। इंडिया स्टिमुलस पैकेज को देखते हुए, आगे आने वाले भी देखते हुए थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और ये नियर टर्म परफॉर्मेंस दोनों के बीच में थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, ये हो सकता है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। लेकिन रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस से लोगों का पैसा नहीं बनता है। अगर आपके हाथ में स्टॉक है तो आप इस बारे में खुश नहीं होंगे कि मेरा स्टॉक हैंगसिंग में, हांगकांग में जो स्टॉक है वो 10% गिरा है, मेरा सिर्फ 2% गिरा है, और मैंने 8% आउट परफॉर्म कर लिया हांगकांग से। उससे आपको कोई संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस ठीक है अपने जगह पे, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान आपके जो व्यूअर्स हैं, जो लोकल रिटेल निवेशक है, FIIs नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये रिसर्च एनालिस्ट के लिए ठीक है। तो मैं कहूँगा डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स है हमारा, और उसके साथ जो हमने डोनाल्ड ट्रंप का नया वाला जो अटैक आया है चाइनीज गुड्स के ऊपर, ये दोनों को मिलाते हुए नियर टर्म आउटलुक अभी भी फेयरली ग्रिम है, और गवर्नमेंट साफ कह रहा है कि उनके पास खर्च करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए पैसा नहीं है, और वो ये सब बीच में मार्जिन पे करता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल सिस्टम क्रेडिट अवेलेबिलिटी के साथ करना पड़ेगा, फिस्कल स्पेस उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है, उतना तो साफ पता चल गया फ्राइडे का मिनी बजट का अनाउंसमेंट में। बिल्कुल, और देखिए उदयन सर जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे मार्केट और तेजी से नीचे आ रहा है, हमने 11,000 के स्तर पर खुले, वो आज का दिन का टॉप था, और अब आप देखिए इस बात को अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, आधा घंटा करीब करीब आप कह सकते हैं, 20 मिनट करीब करीब आप कह सकते हैं बाजार खुले हुए है, और देखिए मार्केट लाल निशान में जाने की तैयारी कर रहा है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हो सकता है लाल निशान में क्लोजिंग भी हो जाए, तो 10,850 के देखिए करीब आ चुका है, अब धीरे धीरे करके हम फिसलते जा रहे हैं। ये बताइए हम लोग किस दिशा में अब जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और चाइना की लड़ाई और बढ़ने की बात हो रही है, फ्रांस के साथ एक और प्रॉब्लम आगे आ रही है, हम जा किस तरफ रहे हैं, और भारत में आपको क्या लगता है
ये जो फ्राइडे के लोज हमने देखे थे, जिसको वीकेंड पे सब लोग कह रहे थे ये एक बॉटम हो गया, क्या मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या हम बॉटम अभी पाने के दूर हैं? अभी बॉटम्स की चर्चा नहीं करना चाहिए हेमंत, क्योंकि अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है ग्लोबल लोकल इकोनॉमीज और मार्केट्स में। हर हफ्ते आप देखेंगे जब 100 पॉइंट का रैली होता है या 100 पॉइंट का गिरावट होता है, लोग एक बॉटम के खोज में है। बॉटम उतने आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लोग, बॉटम पता चलता है बाद में जब बॉटम बन जाता है। मैंने इतने साल मार्केट में एक बार भी नहीं देखा है कि लोगों ने बता दिया ये है बॉटम और वो बन गया बॉटम, ये बहुत मुश्किल से होता है। ये टॉप जैसा है, लोग बोलते रहेंगे, आप सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन उसको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉटम तब बनेगा जब आप 4 महीने 6 महीने के बाद पीछे मुड़ के देखोगे और लगेगा अच्छा वो बॉटम बन गया था। अभी जब बॉटम के खोज में होंगे आप तो आपको बॉटम कभी हाथ में नहीं आएगा। 10,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पिछले साल भी आपको याद होगा ये लेवल्स बहुत बार मार्केट टेस्ट किया हुआ था लेकिन तोड़ा नहीं। लेकिन इस बार जो ट्रिगर्स है वो काफी भयंकर ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, लोकली और ग्लोबली। और ग्लोबली भी ये संकेत हर हफ्ते खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं और लगता है तुले हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में धकेलने के लिए। ऐसे माहौल में 10,600 टिकेगा कि नहीं ये बताना काफी मुश्किल है। मेरा अपना ओपिनियन है, और जो मैं वो पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, कि अगले कुछ महीनों में अगर ग्लोबल मार्केट्स और का रुख ऐसा चलता रहा तो 10,600 टूट जाएगा, हम एक नया लो बनाएंगे। क्या वो लो 10,100 के आसपास होगा, नहीं उसके ऊपर नीचे होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा शक है और मेरा डर है कि हम शायद इसके नीचे एक लो बनाएंगे। ओके उदय, लेकिन एक सेक्टर जहाँ पे टॉप भी पहले बना था और अब कोशिश हो रही है बॉटम बनाने की, वो है ऑटो। जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आए हैं, आप देखिए पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान लोगों ने बेट किया है और कुछ संकेत ऐसे भी आ रहे हैं कि शायद इस महीने के जो आंकड़े आएंगे वो इतने बुरे नहीं हो। कुछ थोड़े बहुत संकेत भार्गव साहब की ओर से, मारुति के और दूसरे कुछ प्लेयर्स की ओर से जो आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या इस सेक्टर में कम से कम यहाँ से आगे आउट परफॉर्मेंस दिखेगा? जिन लोगों ने बेट लगाई है उनको निराशा तो हाथ नहीं लगेगी? देखिए प्रदीप, थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। आप अगर ये ऑटो स्टॉक्स को देखें पिछले 10 दिन के लोज के ऊपर से, काफी सारे बड़े स्टॉक्स में 10-12-15% का रैली लोज से ऑलरेडी हो चुका है। कुछ हद तक ये जो न्यूज फ्लो हम आप जिसके जिक्र कर रहे हो वो प्राइस में आ चुका है, क्योंकि ये अभी लोज पे नहीं है, इस पे ऊपर 10-12-14% का रैली हो चुका है। तो पार्टली प्राइस ने इसको गुड न्यूज को कैप्चर कर लिया है। अभी जो स्टिमुलस पैकेज आया है इससे क्या ऑटोज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स दिया गया है ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को। अभी आप बताइए, आपका एक फ्लीट चलाते हो, आपके पास 6 ट्रक है जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% है, आज आप 3 ट्रक से ज्यादा दे नहीं पा रहे हो मार्केट में, ऐसे माहौल में आपको कोई डेप्रिसिएशन बेनिफिट देता है? और आप बोलते हो कि मेरा करंट वाला ट्रक में लगा नहीं पा रहे हो, लेकिन डेप्रिसिएशन बेनिफिट आ गया, मैं भाग के और 6 ट्रक खरीद लेता हूँ। रियलिटी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये पेपर में एक ट्रिगर है लेकिन रियलिटी में ये बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत मदद मिलेगा, फेस्टिव सीजन आ रहा है 1-2 महीने में, उससे पहले गवर्नमेंट थोड़ा पैसा मार्केट में रिलीज कर रहे हैं कि अपना ड्यूज क्लियर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं कुछ पैसा, लेकिन बताया गया है कि तुम थोड़ा ऑटोज खरीद लो, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। जो एक टेरेबल एक मूव लिया था गवर्नमेंट ने, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जिसपे हमने बात किया था, उसका रोल बैक हो चुका है, सेंटिमेंट में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन ऑटो सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डिमांड। और क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है जहां पे सेस्टिव सीजन के बाद भी ये डिमांड रिवाइवल होगा? मुझे लगता नहीं है ये होगा। तो एक नियर टर्म आउट परफॉर्मेंस आपके भाषा में हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम्स ऑटो में अभी भी है, और आने वाले दिन में शायद ऑटोज इतने गिरेंगे नहीं, नियर टर्म लोस शायद प्लेस में रहेगा। लेकिन क्या ये साल तक, पूरा साल में हमने परमानेंट लोस बना लिया ऑटोज में, ये बात बताना अभी भी मुश्किल है। बात है, और आप देखिए बिल्कुल, आप उदयन सर यू आर स्पॉट ऑन। सारे ऑटो स्टॉक्स देखिए खुलने के बाद अब फिसल रहे हैं, दिन के निचले स्तर को छू रहे हैं, और अभी देखिए बाजार में खुलने के बाद वक्त ही कितना हुआ है। और हमारे एक्सपर्ट जो सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में भी आए थे, वो भी ये कह रहे थे कुछ खास उन्हें तो उम्मीद है नहीं। कालरा साहब ने बिल्कुल साफ किया था, देखिए मारुति खुला कहाँ और इस समय कहाँ कारोबार कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प खुला कहाँ, खुलते ही देखिए फिसल गया,
एक मिनट भी देखिए हरे निशान में नहीं रहा, उसके बाद से गिरने लगे, तो ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। उदयन सर, मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि स्क्रैपेज पॉलिसी पर अब कुछ होप होगी और एक रेंटल पॉलिसी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आ सकती है, और तीसरी होप अब ये है कि आज आरबीआई की बोर्ड मीटिंग में शाम को कुछ डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट आ सकता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं ये पहले से अकाउंटेड फॉर है बजट में। आप इन तीन होप्स को किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर्स पे, अगर हाउसिंग सेक्टर पे अगर कोई अनाउंसमेंट आता है उसमें मैं थोड़ा सा होपफुल हूँ, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ पे अगर कुछ होता है और कोई डिमांड रिवाइवल आता है तो ये इकोनॉमी के काफ़ी सेक्टर्स को हेल्प करता है। वो एक ही होप पे मेरा अभी थोड़ा एक होप टिका हुआ है। और तीसरा जो मुद्दा आपने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्राइडे का अनाउंसमेंट सुनने के बाद मेरे मन में तो ये साफ हो गया कि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बता दिया कि मेरे हाथ में पैसा नहीं है, फिस्कली मैं कुछ कर नहीं सकता। कौन कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, जहां पे और रेट कट का काफी संभावना है और रेट कट होगा भी अगले 6 से 9 महीने में। मत आप लिख सकते हो कि रेट कट आने वाला है और मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करेगा, टाइम लगेगा लेकिन उसमें से मार्केट को सहारा मिलेगा। और दूसरा गवर्नमेंट जो करना चाह रहा है वो है मार्केट में क्रेडिट एनहेंसमेंट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उसको सुधारने की कोशिश में है। गवर्नमेंट बोल रहा है मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, इंटरेस्ट रेट घटा सकता हूँ और क्रेडिट को पुश कर सकता हूँ, और आप लोग क्रेडिट ले लो और उससे इकोनॉमी में डिमांड को सुधार लो। ये है गवर्नमेंट का चोजन रोड और इसमें सुधार आएगा। यही एक चीज़ काम कर रहा है इकोनॉमी के लिए आज, इसमें सुधार आएगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इवेंचुअली अगर रिकवरी आता है तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ही आएगा, फिस्कली तो मौत कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो आपने जो तीन चीज़ों की जिक्र किया है उसमें रियल एस्टेट और मॉनेटरी पॉलिसी, इस दोनों पे मैं थोड़ा होपफुल हूँ। लेकिन एक चेतावनी मैं फिर भी दूंगा इसमें जुड़ा हुआ, वो है लोग जो बहुत नाच रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर आज सुबह, मैं उसको थोड़ा कॉशन की एक वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा पैसा तो आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हाथ में लेकिन गवर्नमेंट अभी डायरेक्ट कर रहे हैं इनको क्या करना है, इनको पैसा दो, इतना पैसा दो, ये रेट पे दो, ना ध्यान में रखते हुए कि डिपॉजिट सिचुएशन कितना खराब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आज, और इसको चलते हुए एक और खराब डाउन साइकिल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीएसयू बैंक्स में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपने जो वर्ड ऑफ कॉशन दिया जरूरत थी इसकी, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में ज्यादातर लोग पूरे वीकेंड पे आप देखिए यही चर्चा कर रहे थे कि बहुत हो गया, अब यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।